बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ जिले में आज एकाएक कोरोना संक्रमितों की संख्या में 21 का उछाल सामने आया है। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 307 हो गई है। कल यूं तो मेरठ जिले में संपूर्ण लॉकडाउन था, लेकिन आज सामने आए इस उछाल ने सोचने हालात पैदा कर दिए हैं। गंभीर तथ्य यह भी है कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं सामने आई हैं उसने पुलिस व प्रशासन की विफलता को भी उजागर कर दिया है। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में एक बिरादरी का 2 दिवसीय जलसा कहीं ना कहीं व्यवस्था की चुगली करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आज अहमदनगर में कोरोना संक्रमण के चलते मारे गए इमरान के शव को पहले नहलाना, जनाजा निकालना और फिर सुपुर्दगी खाक करना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत जरूर है कि नहीं तो जिले में लॉकडाउन का पालन हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में अहमदनगर में संक्रमितों की संख्या भी बढ़ सकती है। यूं तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें पुलिस व जिला प्रशासन के बीच खींचतान उजागर हुई है, लेकिन हाल फिलहाल की घटनाओं पर यदि नज़र डाली जाए तो यह दूसरा मामला उजागर है। पेट्रोल और डीजल में मिलावट कांड के बाद बीते दिवस ADM सिटी का जली कोठी में छापा मारना भी कहीं ना कहीं आपसी खींचतान को उजागर करता है। गंभीर बात यह भी है कि बताने वाले ने यहां तक ADM से कहा कि वह थाना पुलिस को न बताए, अन्यथा कुछ उजागर नहीं होगा। ADM सिटी वहां पहुंचकर SO दिल्ली गेट रविंद्र पलावत को फ़ोन करते हैं, लेकिन SO ने फ़ोन नहीं उठाया, जिस पर उन्होंने SP सिटी को फ़ोन किया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। पुलिस की यह अजीबोगरीब व्यवस्था है कि उनके क्षेत्र में कुछ भी होता रहे लेकिन उन्हें या तो पता नहीं चलता या वे आंखें बंद किए हुए हैं। दिल्ली गेट क्षेत्र के अंतर्गत ही शहर दाल मंडी भी आती है। वहां कई रात एक व्यापारी नेता के प्रतिबंध के बावजूद बीड़ियां बिकती रही, लेकिन पुलिस के कान पर जू नहीं रहेगी। हालांकि दाल मंडी के ही लोगों का कहना है कि लॉकडाउन में बिना थाना पुलिस की मिलीभगत के यह बिक्री संभव नहीं है। बाहर बल्लियाँ और अंदर रोशन बाजार या फिर जलसा। शकूर नगर के एक युवक द्वारा वायरल की गई वीडियो में भी यही जग जाहिर पहले हो चुका है। उधर शहर के बीचों बीच पेड क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने पर भी क्षेत्रीय नागरिक परेशान व असहज महसूस कर रहे हैं। गढ़ रोड पर होटल राजहंस रेजेंसी को पेड क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि घनी आबादी के बीच संदिग्ध लोगों को रखने से उन्हें भी खतरा हो सकता है। सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट डाली जा रही है और इस पर लगातार आपत्ति की जा रही है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।